दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सभा का सत्र जो मानसून का सत्र सेशन है वो 7 तारीख से प्रारंभ होकर के 18 तारीख तक चलेगा। बैठकें नहीं हो पाई थी क्योंकि हमको 23 मार्च को बीच में ये स्थगित करना पड़ा था। हमारे जो है वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी है और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि हम पूरी 35 बैठकें जो है इस बार करें, तो इसलिए 10 बैठकें अभी रखी हैं और 10 जो है अंतिम सत्र के लिए रखी गई हैं। तो कोशिश करेंगे कि अभी पूरी हों। तो प्रदेश के सारे देश भर के 29-30 राज्यों में जो है वो 9वां स्थान हिमाचल जैसे छोटे संसाधन विहीन प्रदेश का आया है। अगर केंद्रीय सरकार है तो उन्होंने जो है किसी चीज़ को देख करके किया होगा। हिमाचल में तो संसाधन ही नहीं थे पहले, यहाँ पर ना वेंटिलेटर थे, यहाँ ना मास्क थे, यहाँ पर ना PPG किट्स थे, सबकी व्यवस्था करनी पड़ी ना। तो इसलिए सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ये जो आपका पहला प्रश्न था उसका जवाब भी है ये कि 9वां स्थान जो है उन्होंने रैंकिंग प्राप्त की है, तो हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा काम रहा है, जो है लगातार काम करती रही है। लॉकडाउन हुआ चाहे अनलॉक का पीरियड है, COVID-19 की स्थिति को, कोरोना वायरस की स्थिति को जिस बखूबी जो है वो ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो है वो संभाला है, वो अपने आप में जो है वो उसकी प्रशंसा देश भर में हुई है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जिसने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक नया जो है वो नमूना सारे देश को दिया है। इसमें हमारे जो वर्कर हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब ने जो है वो मेहनत की है। सारे हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में जो है वो ये बाकायदा सर्वे हुआ है और सारे देश में जो हिमाचल प्रदेश के लोग रहते थे वो हिमाचल प्रदेश आना चाहते थे, क्योंकि इस कोविड की स्थिति में बहुतों की नौकरी समाप्त हो गई, कुछ लोगों के बिजनेस समाप्त हो गए। जब अल्टीमेटली जो है वो उनके पास कुछ साधन नहीं रहे तो अपने घर ही आएंगे। उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम जो है वो हिमाचल सरकार ने किया, चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था की या बसों की व्यवस्था की, घर तक छोड़ने की व्यवस्था की। और प्रदेश में संक्रमण कम हो इसके लिए जितनी सख्त हिदायतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में दी गई थी, जिसका पालन भी हुआ है, उतने शायद सारे देश भर में नहीं होंगी। हालांकि इससे जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी शटर हुई है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के आधार पर चलने वाली स्टेट है, लेकिन टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, बाकी व्यवसाय हैं, उन सब में मंदी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो संक्रमण कम से कम हो और हमारी बाकी व्यवस्थाएं चलती रहें। अब चरी का समय आया है तो चरी का बाकायदा जो है वो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की। आपकी जो है वो सेब सीजन आजकल चल रहा है, जो मेन जो है इकोनॉमी का एक बेसिस है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं जो उसमें पेटियां, उसमें ट्रेस की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि लेबर का भी प्रबंध किया है प्रदेश सरकार ने। और जो बाहर से लदानी आते हैं, जो खरीदने वाले आड़ती आते हैं, उनकी भी व्यवस्था की है, साथ में क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की है और बिजनेस भी चलता रहे इसकी भी व्यवस्था की है। और प्रदेश की डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी चलती रही हैं प्रदेश की, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो जो आर्थिक संसाधन है वो ना के बराबर हैं और इस कोविड की स्थिति में और ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो कमी आई है। लेकिन फिर भी तो इसलिए अपोजिशन को जो है वो पूरा अधिकार है जो वो अपनी बात रखें। तो सरकार ने जो है वो काम किया है, इसलिए माकूल जवाब जो है वो विधानसभा में देंगे।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।